बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो कर चुनाव प्रचार किया, तो वहीं समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। 26 अप्रैल को बांका, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया और किशनगंज में वोटिंग होगी। इसे लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने जमकर चुनाव प्रचार किया। निश्चय रथ पर सवार होकर नीतीश कुमार ने भागलपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार अजय मंडल की जीत के लिए रोड शो किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर देखने को मिला। शहर के सभी चौक चौराहों पर फूल बरसाकर नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नामांकन किया। इस मौके पर पटेल मैदान में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, अशोक चौधरी, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान नित्यानंद राय ने जीत की हुंकार भरते हुए कहा कि जनता इस बार देश में 400 पार और बिहार की सभी 40 सीटों पर विजय होगी। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने समस्तीपुर जिले के दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, संकल्प है कि जब देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस समय प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का हो। आज 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आस्था है और इनका जो प्रयास है विकास के लिए, वह सब मिलकर यहाँ 40 की 40 सीट जीते। सभी क्षेत्रों में जो मतदाताओं का रुझान है एनडीए उम्मीदवारों के प्रति, वो समझिए जो यहाँ मुख्यमंत्री का और एनडीए की घोषणा है या अनुमान है कि 40 में 40 वाली वही स्थिति प्रतीत होती है। बिहार में जहाँ एक तरफ चुनावी रण में एनडीए की तैयारी पूरी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की ओर दिए विवादित बयानों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, जिससे पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट।